नमस्ते, मैं महेश। इस वीडियो में आपको MS Excel के फॉर्मेट प्रिंटर इस ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। ये ऑप्शन होम टैब के क्लिपबोर्ड सेक्शन में है। इस ऑप्शन का यूज़ हमें एक सेल की फॉर्मेटिंग दूसरी सेल को या सिलेक्टेड पार्ट को कॉपी करने के लिए होती है। अभी ये फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब है हमारे होम टैब की फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर, ये तीनों सेक्शन को मिला के हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। जैसे हम अभी आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे टेबल फॉर्मेटेड नहीं है, तो सेल को मुझे आउटलाइन देनी है, टेक्स्ट का स्टाइल कौन सा चाहिए, जहाँ यहाँ पे स्टाइल है, साइज़ कितनी चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, सेल के बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे देखा येलो कलर है, फिर टेक्स्ट का कलर सो कौन सा चाहिए, जैसे यहाँ पे रेड कलर है, तो इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। फॉर्मेटिंग के बारे में एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, आप वो ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैंने होम टैब के फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर सेक्शन के बारे में बताया हुआ है। अभी फॉर्मेट पेंटर से हम एक सेल की फॉर्मेटिंग दूसरे सेल को कैसे कॉपी करते ये देखेंगे हम। अभी मुझे अगर समझो ये आउटलाइन ही सिर्फ कॉपी करने हैं, तो वो सेल को आप सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अपनी टेबल या सिलेक्टेड, अगर मैं आप देखोगे कि जैसे मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया है तो एक कर्सर पे पेंट ब्रश जैसा साइन आया हुआ है। अगर मुझे ये फॉर्मेटिंग ये आउटलाइन सिंगल सेल में चाहिए तो आप सिंगल सेल पे क्लिक कीजिए, तो आप देखोगे वहाँ पे सिंगल सेल पे आउटलाइन आ चुके हैं। या जो भी मैंने यहाँ पे आप देखोगे कि ये एरियल फॉन्ट है, 10 की साइज़ है और बोल्ड लिया हुआ, वो कॉपी हो जाएगा। अगर मुझे वो सिलेक्टेड एरिया को देना है, जिससे कि मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ मेरी पूरी टेबल, तो ये पूरी टेबल में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद इस ऑप्शन पे अगर आप डबल क्लिक करते हो तो मल्टीपल आप यूज़ करके कॉपी कर सकते हो फॉर्मेट। जैसे कि ये मैंने सेल सिलेक्ट किया, आप अगर सिंगल क्लिक करते हो तो जैसे आप सिंगल क्लिक करते हो वो ऑप्शन ऑफ हो जाता है, या आप सिलेक्टेड एरिया में सिलेक्ट करते हो तो वो ऑप्शन ऑफ हो जाता है। लेकिन वो मुझे मल्टीपल यूज़ करना है, हर एक से ज़्यादा बार यूज़ करना है, तो आप उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसका आपको फॉन्ट कॉपी करना है। फॉर्मेट पेंटर पे आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आप देखोगे आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो ऑप्शन ऑफ नहीं होता है, तो आप मल्टीपल यूज़ से आप फॉर्मेट कॉपी कर सकते हो। अभी इसका असल यूज़ ये है कि हमारी एक शीट पे जो फॉर्मेटिंग है दूसरी शीट में अगर कॉपी करनी है, जैसे कि अभी ये शीट पे मैंने ये फॉर्मेटिंग ली है, ये फॉर्मेट से मुझे दूसरी शीट पे अगर कॉपी करना हो तो मुझे ये ऑप्शन जो फॉन्ट होम टैब की फॉन्ट अलाइनमेंट ये सेक्शन को यूज़ करके करना होता है। लेकिन अगर फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करता हो तो कुछ ही समय में मैं वो कॉपी कर सकता हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ जो फॉन्ट कॉपी करना है उस पर कर्सर से सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करना है, और जो शीट पे आपको टेबल को कॉपी करना है वो फॉन्ट उसको सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप फॉर्मेट कॉपी कर सकते हो। आप भी अपने एक्सेल के टेबल को या सेल को फॉर्मेट करने के लिए इजी वे का यूज़ करना चाहते हो, आसान तरीके से फॉर्मेट करना चाहते हो, तो आप फॉर्मेट प्रिंटर से आप कॉपी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो अपलोड होते ही उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।